कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। एक समय था जब सिंधिया और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों केंद्र में मंत्री थे और राहुल गांधी के सबसे चहेते थे, लेकिन आज वक्त बदल गया है। सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं। पार्टी भले ही दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही है। तभी तो सिंधिया ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को तवज्जो नहीं देकर पायलट को दिया। दरअसल गुना के रहने वाले आशीष जैन नाम के शख्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी थी। आशीष ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा कि मेरी बेटी कोटा में फंसी हुई है, वह वहां पढ़ाई के लिए गई है और अच्छा महसूस नहीं कर रही, उसे गुना स्थित घर लाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आशीष जैन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये मदद 17 अप्रैल को मांगी थी, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से बात की और उन्होंने आशीष को लेकर चर्चा की। पायलट ने सिंधिया को आश्वस्त कराया कि कोटा में फंसी बेटी की उचित देखभाल की जाएगी और जल्द ही उसकी घर वापसी की कोशिश की जा रही है। अब सिंधिया के इस कोशिश के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक समय था जब चर्चा थी कि सिंधिया की तरह पायलट भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत से सचिन पायलट के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच की ट्यूनिंग अभी भी अच्छी है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में सियासी उलटफेर फिर हो सकते हैं? देश भर में कोरोना का कहर है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस गंभीर महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच कोरोना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी से 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। अब इस संकट की घड़ी में भी ममता पीएम मोदी से सियासी लड़ाई लड़ रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजने का फैसला लिया है। ये टीमें राज्यों में कोरोना के जमीनी हालात और लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। केंद्र के इस कदम का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया है। ममता ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का स्पष्ट कारण पूछा। ममता ने लिखा कि हम कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग और सुझावों का स्वागत करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में IMCT को भेजने का जो फैसला लिया है, उसका उद्देश्य समझ से परे है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 2 IMCT भेजने का फैसला लिया है। इस टीम में केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। ये टीमें राज्य की कोरोना के खिलाफ तैयारियों और मुख्य रूप से लॉकडाउन की सफलता की समीक्षा करेंगी। ममता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के इन जिलों को चुने जाने का आधार पूछती हूँ। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये संघ की भावना के खिलाफ है। अब ममता के इस बयान पर हंगामा मचना तय है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब केंद्र की नीतियों पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया हो। इससे पहले भी ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाती रही हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल और सीएम उद्धव ठाकरे अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। प्रदेश की स्थिति अब वैसी ही होती जा रही है जैसे दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों की है। कोरोना के कहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और अब जो महाराष्ट्र में घटना हुई है, उसने उद्धव ठाकरे के उस हिंदुत्व की छवि को भी धूमिल कर दिया है जिसके बदौलत वो वोट मांगा करते थे। पालघर में संतों की निर्मम हत्या के बाद उद्धव सरकार चौतरफा घिरते हुए नजर आ रही है। पूरे देश में इस वारदात के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा है। इस घटना में अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसमें नया एंगल जोड़ा है। पात्रा ने सुनील देवधर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसे गहरी राजनीतिक साजिश करार दिया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्थानीय लोगों के अनुसार वो शख्स शरद पवार जी के एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है। उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर, ये तीन सीपीएम के पंचायत सदस्य भी वही थे। बीजेपी नेता के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने लिखा, पालघर मॉब लिंचिंग केस में ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जहां पर ये केस हुआ वहां राजनीतिक पार्टियों के नेता क्या कर रहे थे और जिन पार्टियों के नेता वहां मौजूद थे वे सभी भगवा से नफरत करने वाले हैं। इसके अलावा कवि कुमार विश्वास ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे महाराष्ट्र सरकार के माथे पर कलंक करार दिया। हालांकि शक की सुई जिन नेताओं पर जा रही है उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर इस मामले में एनसीपी के किसी नेता का नाम आता है तो उद्धव ठाकरे के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बीच अब सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ऐसे मझधार में फंसे हैं जिससे निकालने की जिम्मेदारी उनके सबसे खास संजय राउत ने ली है। पालघर मामले में फंसे उद्धव ठाकरे पर विरोधियों ने चौतरफा हमला बोला है। शिवसेना लगातार बैकफुट पर है जिसके बाद संजय राउत ने पालघर मामले पर बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे की और मेरी उनसे विनती है कि इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दें। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मरने और मारने वाले दोनों ही हिंदू हैं। राउत ने कहा कि जहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो गुजरात से सटा क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, ग्राम पंचायत पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन वो उसको लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। ये समय इसके लिए ठीक नहीं है। शिवसेना सांसद ने कहा कि मामले में अब तक 110 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी खतरा बरकरार है। अब शिवसेना बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी दांव खेल रही है सत्ता में आने के लिए। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के विपक्षी दल बीजेपी को लग रहा होगा कि इस तरीके से दांव पेचकर सत्ता में सेंध लगाई जा सकती है, तो ये संभव नहीं होगा। दरअसल राउत इस बात से नाराज हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए अभी तक मंत्रिमंडल की सिफारिश को राज्यपाल ने मंजूर नहीं किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 27 मई तक का समय है। विरोधियों से बचाने के लिए एक बार फिर संजय राउत सामने आए हैं। देखना होगा कि सरकार बनवाने में अहम सूत्रधार रहे संजय राउत क्या उद्धव ठाकरे को इस संकट से उबार पाते हैं या नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की विदाई और राज्य में सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस आलाकमान स्थानीय नेताओं से नाराज है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो कोरोना टास्क फोर्स बनाई है उसको देखकर तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। सोनिया गांधी ने टास्क फोर्स में राज्य कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को इसमें जगह नहीं दी है। मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की गांधी परिवार से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है, जबकि दिग्विजय सिंह अब भी प्रदेश में पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। दोनों ही नेता पूर्व में कांग्रेस की कई शीर्ष स्तरीय कमेटियों में शामिल रह चुके हैं, लेकिन सिंधिया के विद्रोह के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में दोनों की हैसियत कमजोर हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया सहित पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में सरकार के पतन को इन दोनों नेताओं के पॉलिटिकल मैनेजमेंट की विफलता मान रहा है। इसी के चलते उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से दूर रखा जा रहा है। अब टास्क फोर्स में प्रदेश के नेताओं की गैर मौजूदगी से बीजेपी को भी कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से पार्टी हाईकमान नाराज है, इसलिए उन्हें टास्क फोर्स में जगह नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस को 15 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य की सत्ता में वापसी करने का मौका मिला था, लेकिन आपसी गुटबाजी से कांग्रेस बिखर गई और सत्ता से बेदखल हो गई। अब एक बार फिर कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सियासत में समय का चक्र काफी तेजी से घूमता है और जब घूमता है तो सब कुछ बदल जाता है। शिवसेना को इसी बात का डर सताने लगा है। दरअसल कुछ ही दिनों में उद्धव ठाकरे के सीएम बने 6 महीने पूरे हो रहे हैं और वे अब तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। कोरोना की वजह से विधान परिषद का चुनाव टला और उद्धव फंस गए। 28 मई 2020 को उनके सीएम बने 6 महीने पूरे हो रहे हैं। ऐसे में वे अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं चुने जाते हैं तो उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। इसलिए अब शिवसेना की चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित करने में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से मंजूरी मिलने में हो रही देरी पर अब शिवसेना का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी के सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बात का कोई संशय नहीं छोड़ा कि उनके निशाने पर कौन है। राउत ने ट्वीट कर लिखा कि राजभवन राज्यपाल का आवास राजनीतिक साजिश का केंद्र नहीं बनना चाहिए। याद रखिए, इतिहास उन लोगों को नहीं छोड़ता जो असंवैधानिक व्यवहार करते हैं। सीएम ठाकरे राज्य विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और अब उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे या नहीं इसका फैसला राज्यपाल कोश्यारी करेंगे और बीजेपी के नेताओं द्वारा जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बात की उम्मीद कम ही है कि राज्यपाल कोई रहम करेंगे, लेकिन आखिरी फैसला राज्यपाल को ही करना है। ऐसे में शिवसेना की बेचैनी अभी से ही बढ़ गई है और एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर शह और मात का खेल देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।